मध्य प्रदेश में 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जनता को लुभाने में जुटी हैं। बीजेपी ने अपने 79 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, हालांकि कांग्रेस ने अभी तक एक भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला जनता को करना है। विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच टाइम्स नाउ नव भारत ने ओपिनियन पोल जारी किए हैं। नए सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अगर आज मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिलने के आसार है। वहीं अन्य दलों को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। अगर सर्वे में वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 2023 के चुनाव में 42.8% वोट मिल सकता है, जबकि कांग्रेस को 43.8% वोट मिल रहा है, जबकि अन्य के खाते में 13.40% वोट जा सकता है। किस पार्टी को कितनी सीटें? बीजेपी 102 से 110 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते में 118 से 128 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बता दें कि एमपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दिग्गजों की फौज उतार दी है। राज्य में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अब तक 79 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल, गणेश सिंह, राकेश सिंह, रीति पाठक और सांसद उदय प्रताप सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से ही चुनाव लड़ेंगे। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें बीजेपी को 56 सीटों का नुकसान के साथ कुल 109 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को कुल 114 सीटें हासिल हुई थी, जबकि बीएसपी को 2 सीटें मिली थी। इस साल कांग्रेस करीब 15 सालों के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और करीब 1.5 साल तक सत्ता में रही। हालांकि इसके बाद हुए उलटफेर के चलते बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई थी, जिसमें कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा रोल निभाया था।